लेकिन विधायक जी जो वीडियो वायरल चाहे वो पुराना हो या नया हो, जिस तरह से हाथों में हथियार लेकर के आप, क्या बुराई है अगर हथियार में गोली ना हो? अनलोडेड हथियार हैं, लाइसेंसी हथियार हैं, किसी को हमने डराया नहीं, कोई फायर नहीं की, कोई अनैतिक कार्य किया हो तो बता दीजिए, किस सेक्शन में मुकदमा करेंगे आप, किस जगह का वो है? चार आप वेपन ले रहे हैं, वो चारों आपकी के नाम, तीन मेरे हैं, चौथा वो घर वाले जो थे शायद क्यों आया होगा, उसने हाथ में पकड़ा दिया था, तीन वेपन मेरे हैं, दो रिवॉल्वर्स एक राइफल। किस जगह का वो वीडियो है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आपके साथ सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी मिली है केंद्र से, उनके वो हथियार हैं बड़े वाला, जो कौन कह रहा है? कुछ लोगों का ये कहना है, लोगों के कहने से क्या होता है, तस्दीक करेगी, मेरा लाइसेंसी हथियार है, लोगों के कहने से क्या होता है भैया, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, हिंदुस्तान में अता पता तो किसी को दसवीं पास नहीं होता, बात करता है पीएचडी की। अभी मुझे बढ़िया सी आई, दिल्ली से फोन आया एक, आज तक का, कि आप एक ही 47 ली, अरे मैंने कहा भाई साहब एक ही 47 नहीं है, मेरा लाइसेंस ही 30 कार्बाइन है, देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन फर्क है, मैगजीन एक ही 47 की चौड़ी होती है और बट एक 47 का बिल्कुल अलग होता है, आप देख सकते हैं कि 47 कंपेयर करके मेरे वाली यही। विधायक जी, आप विधायक, एक जो बड़ा गंभीर इशू है वो ये है उत्तराखंड को देश को लेकर जो गाली वाला जो, वो सब गलत है, मैं कभी अपने प्रदेश को गाली क्यों दूंगा, जिक्र कुछ और आया होगा, उसको एडिट किया गया वीडियो को, दैट इज एडिटेड। जैसे ही मेरे साथ आज तक षड्यंत्र होते आए, मेरी पत्नी चुनाव लड़े तो ऐसा वीडियो दिखाते हैं, मैं कोई अच्छा काम करूं, शिड़कुल मैंने खुलवाया, हजारों बेरोजगार युवाओं को उत्तराखंड के हम नौकरी दिलवाएंगे, भाई उत्तराखंड तो देवभूमि है, हम तो एहसानमंद है, हमारे बड़ों का इसमें खून गया है, मेरी दादी जी खुद लैंसडाउन की रहने वाली, हमारा तो नाता पहाड़ से बहुत पुराना है, मैं ऐसी बात कहूंगा क्या? और भैया योग्य शिक्षित व्यक्ति हूं, अपने प्रदेश को ऐसे क्यों कहूंगा मैं, ये तो सोचो आप। वीडियो देखा है वीडियो देखा है कहा गया कि आगे भी आप पे कार्रवाई नहीं। श्याम जाजू का ये कहना है कि आपको आज से ही पार्टी से निष्कासित माना जाए, आप हमारे पार्टी के हिस्से नहीं है। देखो जी वो अधिकारी हैं, उनको अधिकार है, हम भी अपनी बात रखेंगे, वो हमारे बड़े हैं, हमारे अधिकारी हैं, उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं, जो मुझे दिया जाएगा नोटिस मैं उसका जवाब दूंगा।